आदरणीय भजनलाल जी, राजस्थान सरकार के मंत्री आदरणीय श्री सुरेश रावत जी, श्री संजय शर्मा जी, श्री जवाहर सिंह बेडम जी, मंच पर उपस्थित संसद की हमारे साथी सांसद आदरणीय रंजिता कोहली जी, स्थानीय विधायक शैलेश सिंह जी, विधायक आदरणीय नौक्षम चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन संभाग प्रभारी आदरणीय एमराज मीना जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दाधी जी, प्रदेश मंत्री गिरधारी तिवारी जी, आदरणीय मनोज भारद्वाज जी, आदरणीय सोमकांत जी, आदरणीय रविंद्र जैन जी, मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता मंच के सामने बैठे हुए इस लोहागढ़ की धरती के वीर सपूत, सभी सरकारी पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, मैं आज आप सब लोगों को मोदी जी की तरफ से बधाई देने के लिए आया हूं और आप लोगों को एक बार फिर मोदी जी की गारंटी देने के लिए आप लोगों के बीच में आया। चुनाव से पहले जैसा अभी शैलेश जी कह रहे थे, लगातार 5 साल तक राजनीति की रोटी सेकने के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस पूरे पूर्वी राजस्थान के 3 करोड़ लोगों की प्यास से कंठों पर राजनीति करने का पाप पिछले 5 साल तक अशोक गहलोत सरकार ने किया। इस ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना जो इस पूरे समूचे पश्चिमी पूर्वी राजस्थान के 21 जिले, इन जिलों के लिए एक लाइफ लाइन के रूप में, एक जीवन रेखा के रूप में, जिसकी बात पिछले लगभग 20 साल से स्वर्गीय अटल जी के जमाने से, जब पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना की कल्पना नदियों को जोड़ने के अभियान के तहत की गई थी, तब से यह पूर्वी राजस्थान के किसान, पूर्वी राजस्थान की माताएं बहनें कर ली। आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार के समय में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने परिकल्पना बना करके प्रस्तुत किया था। 2018 में तक जब भारत सरकार के पास वो इवेल्युएशन के लिए आई, लेकिन उस पर कुछ निर्णय होता, तकनीकी खामियों को पूरा करते, उससे पहले दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई और एक ऐसी सरकार आई जिसने 5 साल तक इस परियोजना को लटकाने का, अटकाने का, भटकाने का काम किया और उसके बाद इस योजना को राजनीति के एक भस्मासुर के रूप में, ब्रह्मास्त्र के रूप में काबिल लेने का काम, खड़ा करने का काम उन्होंने किया। मैं चुनाव से पहले इस पूर्वी राजस्थान के जिलों में आया था, भरतपुर भी गया था, अलवर भी मैं भी गया था, यहां से लेकर के टोंक, सवाई माधोपुर, करौली होते हुए जयपुर तक वापस गया था। मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की थी, मैंने पूरे 13 जिले जो उस समय थे उनके सारे पत्रकार मित्रों से बात की थी, समाज के प्रबुद्ध नागरिकों से बात की थी और मैंने सबको कहा था ये राजस्थान की उस समय की सरकार राजस्थान के इस पूर्वी हिस्से के प्यासे कंठों पर राजनीति की गोटी सेक करके, राजनीति की रोटी सेक करके सत्ता के सिंहासन पर काबिज होना चाहती है। और मैंने कहा था कि ये केवल षड्यंत्र नहीं है, ये पाप ये राजस्थान की सरकार कर रही है। हमने इस योजना को, जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना आदरणीय वसुंधरा जी के शासन के समय कल्पित की गई थी और आदरणीय अटल जी के समय में जो पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना नदी जोड़ने की योजना के रूप में चिन्हित की गई थी, उन दोनों को जोड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसी से राजस्थान कैनाल परियोजना को नहर परियोजना के बदले नदी जोड़ने की परियोजना के रूप में हमने चिन्हित करके काम करने का सुझाव राजस्थान सरकार को दिया था। लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने हमारा प्रस्ताव स्वीकार करने के बजाय एक झुंझुना बन लेकर के
और इस राजस्थान पूर्वी राजस्थान की जनता के वोट हटाने की कोशिश की थी। उन्होंने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना के नाम पर एक छोटी नहर परियोजना बनाई जिससे मात्र 525 एमसीएम पानी राजस्थान के हिस्से में आने वाला था और वो पानी केवल जयपुर के लिए पीने का पानी, अजमेर के लिए पीने का पानी और टोंक शहर के लिए पीने का पानी केवल इतना ही पानी था। इसके अलावा इन 13 जिलों में एक बूंद भी न तो पीने का पानी आ सकता था और न कोई सिंचाई के लिए पानी आ सकता। तब मैंने आप लोगों के बीच में आकर के कहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, डबल इंजन की सरकार बनाई है। एक महीने के भीतर हम राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में समझौता करा करके इस पूरा संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना को एमओयू कराएंगे और नदी जोड़ने की परियोजना के रूप में इसे एमओयू कराएंगे। मैं आज खुशी के साथ मैं कह सकता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का कि उनके मार्गदर्शन में उनके हस्तक्षेप से मध्य प्रदेश भी राजी हुआ। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का और आदरणीय भजन लाल जी और इनकी पूरी टीम का, जिन्होंने जब जब बुलाया तब आए, साथ में बैठे अधिकारियों के साथ चर्चा करके केवल 50 दिन के भीतर ये राजस्थान पूर्वी राजस्थान की तकदीर और तस्वीर बदलने का मार्ग सुनिश्चित कर दिया। मित्रों, ये जो परियोजना 45,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत है, 3700 एमसीएम से ज्यादा पानी इसको राजस्थान को एश्योर्ड वाटर राजस्थान में मिलेगा, एश्योर्ड पानी मिलेगा। और इसके अलावा भी बाढ़ के समय में जो लगभग 10 साल में से 7-8 साल तक पानी व्यर्थ बह करके जाता है समुद्र में, वो पानी भी हम राजस्थान में लेकर के आएंगे और इस पूरे पूर्वी राजस्थान के हर एक बांध, हर एक बड़े तालाब को भर करके एक तरफ सिंचाई को सुनिश्चित करेंगे और दूसरी तरफ जमीन का पानी वापस जमीन में जाकर के भूगर्भ के जल का स्तर उठाने का काम भी करेंगे। मित्रों, यह परियोजना 45,000 करोड़ राजस्थान में खर्च होंगे और उसके अतिरिक्त 30,000 करोड़ लगभग खर्चा जो है मध्य प्रदेश में आएगा और इस 75,000 करोड़ रुपए में से 90% पैसा माननीय मोदी जी की सरकार देगी। इसकी गारंटी मोदी जी की तरफ से मैं आपको देना चाहता हूं। आप लोगों के प्यासे कंठों को प्यास बुझाने के लिए आने वाले 50 साल तक इस क्षेत्र में पीने के पानी कभी कम न पड़े और मेरे प्रत्येक माताओं बहनों को घर में साफ सुथरा पानी मिले, गुणवत्ता का पानी मिले, इसके लिए जल जीवन मिशन जो बात काम कर रहा है वो जल जीवन मिशन की भी सफलता के लिए ये योजना अत्यंत कारगर सिद्ध होने वाली। मित्रों, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लेना चाहता, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को आगे दिल्ली जाना है। मैं सिर्फ इतना भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, किसान के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए संकल्प पत्र होकर के सरकार काम करे और पिछले 10 सालों में माननीय मोदी जी की सरकार ने जो प्रयास किए, आज उन प्रयासों के चलते हुए देश में 25 करोड़ लोग ऐसे हैं, गरीब ऐसे हैं जो गरीबी की जीवन रेखा से बाहर निकल करके सम्मान के साथ में मध्यम वर्ग का जीवन जीने का सौभाग्यपूर्ण अवसर प्राप्त कर चुके हैं। यह पूर्वी राजस्थान के लिए समझौता हमने किया, उसी तरह से दूसरी तरफ मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय भजनलाल जी का और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी का कि पिछले 22-23 साल से जो हथनीकुंड बैराज से ताजा वाला हैंड से जो पानी राजस्थान के हक हिस्से का पानी मिलना चाहिए था उस पर राजनीति हो रही थी, उस पर विराम लगाते हुए हमने उसके लिए भी एमओयू साइन करके दस्तखत करके भारत सरकार और राजस्थान सरकार हरियाणा सरकार के बीच में त्रिपक्षीय समझौता करके उस पानी को लाने का मार्ग भी सुनिश्चित कर दिया। सीकर में, झुंझुनू में, चूरू में, इन तीनों जिलों में पीने के पानी की सुनिश्चितता होगी। 2,00,000 एकड़ सिंचाई का नया रकबा भी सज्जित होगा। मैं आप सब लोगों को बधाई देते हुए पानी की कमी कभी पूर्वी राजस्थान में नहीं आएगी ये भरोसा दिलाते हुए, और ये तो मोदी जी की गारंटी है कि जिसकी शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। मैं एक बार आप लोगों को फिर धन्यवाद देता हूं, एक बार फिर आप लोगों को बधाई देता हूं और एक बार मैं आपके तालियों की गूंज सुनना चाहता हूं जो मोदी जी तक मैं पहुंचा सकूं कि डी की जनता ने इतने सारे धन्यवाद तालियों के रूप में आपके लिए दिए। पूरी ताकत से ताली बजाकर के मोदी जी का धन्यवाद कीजिए और बोलिए भारत माता की, भारत।